देखिए एशियन गेम्स में भारत ने पदकों का नया रिकॉर्ड बना डाला है। अब से थोड़ी देर पहले तीरंदाजी में भारत ने गोल्ड अपने नाम कर लिया। कंपाउंड तीरंदाजी में ज्योति वेमनम और ओजस की भारतीय मिश्रित टीम ने गोल्ड मेडल पर कब्जा जमा लिया। ज्योति और ओजस देवताले ने फाइनल में कोरियाई जोड़ी को 159-158 से हराकर कंपाउंड मिश्रित टीम स्पर्धा में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। इससे पहले मंजू रानी और बाबू राम ने भी देश को मेडल दिलवाया है। मंजू रानी और बाबू ने 35 किलोमीटर पैदल रेस में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर दिया। ये पदक इसलिए भी अहम हो जाते हैं क्योंकि भारत ने इन दो पदकों के साथ 2018 में 70 पदकों का आंकड़ा अब पार कर लिया है। मतलब ये नया कीर्तिमान हिंदुस्तान के नाम अब लिखा जा चुका है, जिसको हमेशा हमेशा याद किया जाएगा। किस कदर इस बार एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों ने प्रदर्शन दिखाया, ये शुरू से ही अपने हौसले बुलंद नजर आए और एक के बाद एक न सिर्फ ब्रॉन्ज और सिल्वर बल्कि हमने गोल्ड में भी लगातार अपनी जो संख्या है उसको बढ़ाया है। तो माना जा रहा है कि आज भी भारत की झोली में पदक बरसेंगे क्योंकि पूरा देश यही दुआ कर रहा है। दरअसल आज भारत के स्टार नीरज चोपड़ा ट्रैक पर उतरेंगे और जब नीरज का भाला चलता है तो गोल्ड हाथ में होता है। इस बीच पाकिस्तान के जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम ने भाला फेंक से अपना नाम वापस ले लिया। ऐसे में नीरज चोपड़ा का आज गोल्ड जीतना तय माना जा रहा है। वहीं स्क्वैश सिंगल में भी आज सिल्वर आने की उम्मीद है। दूसरी तरफ मुक्केबाज लवलीना सिल्वर पर कब्जे के लिए रिंग में उतरेंगी। पुरुष हॉकी टीम फाइनल में जगह बनाने की कोशिश करेंगी। इन सबके अलावा भारतीय महिला और पुरुष कबड्डी टीमों के मैच पर भी सबकी नजरें रहने वाली है।